देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आज मैं पांच पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूं। इस पांचों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पांचों पॉइंट में सिर्फ एक पॉइंट को आप स्किप करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो नहीं हो पाएंगे। इस पांचों पॉइंट को आपको आमने सामने करना पड़ेगा तो आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर, सक्सेसफुल इंस्टाग्राम पेज क्रिएटर इसी तरह से आप बन पाएंगे। हेलो गाइस, मैं हूँ विश्वजीत मंडोल और आप देख रहा है पूकोन वीआर। आज का जो टॉपिक है वीडियो कंटेंट क्रिएटर के लिए, जो आप लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे वीडियो कंटेंट क्रिएट करता है तो उसमें आपको काफ़ी सारा प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को आप झेल नहीं पाते, इसी कारण से बीच में रुक जाते हैं और वीडियो अपलोड नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आप यूट्यूब में आ रहा है या पर इंस्टाग्राम पे या पर फेसबुक पेज में एक वीडियो क्रिएटर वीडियो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन आपका सामने काफ़ी सारा प्रॉब्लम आता है, तो मैं आज आपको पांच ऐसा पॉइंट बताऊंगा, उस पांच पॉइंट को आप फॉलो कर लेते तो आप बिल्कुल 100% ही 200% में गारंटी देता हूँ आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएंगे। वो कौन सा पाँच पॉइंट है जो आपको सामने में आपको दिखाऊंगा जो आपको बिल्कुल पता चलेगा हाँ बिल्कुल इस सर ने सही किया है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा छोटा एक रिक्वेस्ट, जो आज मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, इसी तरह से मैं न्यू वीडियो जब भी अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपका पास। चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहला वाला पॉइंट, मेन टॉपिक में आता हूँ। सबसे पहला वाला पॉइंट, आप वीडियो जब स्टार्ट में वीडियो अपलोड करता है, वीडियो क्रिएट करता है तो सबसे पहले आपको क्या होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको जान पहचान लोग, रिश्तेदार, फ्रेंड, रिलेटिव, उन लोगों के पास अपना वीडियो शेयर करता है। लेकिन क्या होता है, आपको फैन फॉलोअर भी बहुत ज़्यादा रहता है, जैसा मान लीजिए फेसबुक पेज में 5000 फैन रहता है या पर व्हाट्सअप में जहाँ पर आपको 100 से ऊपर ज़्यादा जो आपको अच्छा जान पहचान लोग रहता है, उनको आप वीडियो जब क्रिएट कर लेते हैं और अपलोड करने के बाद उनको शेयर करते हैं तो उन लोग ये वीडियो देखता ही नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पर काउंटिंग आता है 10 से 20 ही लोग से वीडियो देखा है, उससे ज़्यादा नहीं। तो रीज़न एक ही है, देखिए एक्चुअली जब न्यू वीडियो में आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करता है और वीडियो अपलोड करता है तो उसी टाइम आपका वीडियो क्वालिटी सही नहीं होता है, इसको आपको मानना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप आज मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये मैं 6 महीना बाद देखूंगा ना तो इनका वीडियो मुझे ख़राब लगेगा, लेकिन अभी मुझे बेस्ट लग रहा है तो यही रीज़न है, मैं 6 महीना बाद मेरा और कुछ डेवलप हो जाएगा तो एक ही कारण है। तो इनको आपको पार करना पड़ेगा, आपका फ्रेंड, आपका रिश्तेदार, आपका रिलेटिव ये आपको व्यूज़ नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। आपका कंटेंट फोकस आपको रखना है। आता हूँ अभी दो नंबर पॉइंट, क्योंकि आपको बहाना बिल्कुल नहीं देना है। सभी का पास स्टार्टिंग पे जितना सारा सक्सेसफुल यूट्यूबर है, जितना अर्सन सोशल मीडिया सक्सेसफुल हुआ है व किसी भी सेशन पे, तो वहाँ पर सभी को स्टार्टिंग पे बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ता है। तो आप ऐसा मन बना लेंगे, मेरे पास एक स्मार्टफोन अच्छा होना चाहिए, मेरे पास कैमरा सेटअप होना चाहिए, मेरे पास रूम होना चाहिए, मेरे पास स्टैंड होना चाहिए, मेरे पास सेल्फी स्टिक, इसी तरह से आप बहाना मत मानिए। सिर्फ आपको एक ही चीज़ होता है जो सभी बड़े बड़े क्रिएटर का सामने सिर्फ एक ही चीज़ रहता है, मोबाइल, वो आपका पास है तो मोबाइल से आप अच्छा अच्छा क्वालिटी दे सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग आपको मोबाइल से करना पड़ेगा। अभी अभी हम भी जो बीवी अभी वीडियो आपको दे रहे हैं अभी भी फिलहाल वो भी मेरा मोबाइल से हो रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं, आपको फैंसी आपको स्टार्टिंग करना है, हमको पूरा सेटअप लेके बैठना है, मेरा अच्छा मोबाइल चाहिए। सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं, मेरा अच्छा एक मोबाइल चाहिए और मुझे कैमरा चाहिए, DSLR, साथ में मेरा सेल्फी स्टिक चाहिए, इसी तरह से लाइट, रिंग लाइट चाहिए। तो आपको इसी तरह से बहुत कुछ फैंसी, मतलब आपको पूरा सेटअप तैयार करके बैठना है, ऐसा नहीं, आपको स्टार्टिंग पे कुछ करना है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ये भी आपको अप्रूव करना पड़ेगा। आप सेटअप लेके करेंगे तो आपको नहीं हो पाएगा, इनको आपको टैग करना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट टाइम अपना जो वीडियो अपलोड किया था, एक किताब जो बुक है उसका ऊपर रख के स्टैंड किया था, उसका बाद मैंने वीडियो अपलोड किया था और वीडियो मैंने शूट किया था, ये था। तीन नंबर जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में क्या चाहता है, आप वीडियो डालते आपको फैन फॉलोअर, सब्सक्राइबर, फॉलोअर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा आप मांगने लगता है। देखिए ऐसे थोड़े नहीं होता है, बहुत सारा ऐसा होता है, लाखों में 1% जो लकी होता है जो तुरंत उनका एक वीडियो वायरल हो जाता है और आता रात दिनों दिन वो फेमस हो जाता है। आपको हर एक सक्सेसफुल इंसान को आपको पीछे आपको देखना है, उनका बैकग्राउंड देखना है, तो स्टार्टिंग उनका कोई भी फॉलोअर्स नहीं रहते, उनका वीडियो कोई देखता ही नहीं है। और चार नंबर जो पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इस चार नंबर पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। आप मान लीजिए 6 महीना हो चुका है वीडियो बनाते बनाते, लेकिन आपका आस पड़ोस से लोग क्या करेगा, आपको ताना देने लगेगा, गाली गलौज करने लगेगा,
यार बहुत हो चुके हैं, आपका लाइक्स नहीं मिलता है, आपका वीडियो में व्यूज नहीं आता है, क्या दिन भर यहाँ पर पड़ा रहता है। तो आपको इसी तरह से बहुत तरह तरह का आपको मिलता है, आपको पता है जो न्यू क्रिएटर है तो उनको आपको स्किप करना है, उसी जगह में आपको पैशन धैर्य रख के आपको वीडियो कंटेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तो आगे बढ़ जाना। तो ये जो आपको मैंने 4 पॉइंट बताया ना, इस सारा का सारा को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्किप कर लेंगे ना इन पार्ट को मैं छोड़ के कुछ अलग करूँगा, नहीं, ये सारा चीज़ आपको आमने सामने फेस करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और यहाँ पर जो 5 नंबर जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में जब वीडियो आप कंटेंट क्रिएट करता है, आपको आपका फ्रेंड या पर रिश्तेदार किसी का पास या पर अननोन पर्सन का पास आपका वीडियो पहुँचता है, तो वहाँ पर बहुत सारा कमी रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग पे हर कोई अपना वीडियो क्वालिटी सही नहीं दे पाता है, बहुत सारा यहाँ पर गलतियाँ रह जाता है, वो बाद में आपको पता चलता है 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना के बाद, तो वो चीज़ के लिए आपको क्वालिटी सही नहीं होता है, तो जान पहचान लोग आपको इस वीडियो को इग्नोर कर लेता है इसी तरह से। और सबसे मैं लास्ट में बताता हूँ, देखिए ये 5 जो पॉइंट बताया था इनको आपको फॉलो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस सारा चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसका बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं आपको बताऊँगा, आपको 1 साल कंटिन्यू टाइम देना, कंटेंट आपको क्रिएट करना है किसी भी तरह से, किसी भी प्लेटफॉर्म का आपको वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको ये सारा चीज़ झेल लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको फोकस रखना आपका कंटेंट का ऊपर, आपको यहाँ पर पैसा कमाना ही है, फैन फॉलोअर आगे करना है, तो फुल वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, फुल वीडियो वॉच करने लगे और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे, थैंक यू सो मच।